बताना जो बच्चे के साथ हादसा हुआ था, उनकी खाना बात कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में एनुअल डे का स्पोर्ट्स डे फंक्शन था, यूकेजी क्लास में था बच्चा, ने परफॉर्म करा, सर्टिफिकेट ले लिया। दूसरे बच्चे का परफॉर्मेंस था उनके भाई का फोर्थ क्लास में, हम लोग वो देखने के वास्ते ठहरे थे। बच्चे खेलते खेलते गिर गए तो दूसरा उनका भाई आके बोला मम्मा बच्चा पानी में गिर गया, बोलते हम ना भागे, हम ना जाके देखे था वो जगह वो समे पूरा ऐसा टीम का आता नहीं, वो डाल के उसके ऊपर गणेश रखे बाद हम ना वॉचमैन बोले बच्चा गिर गया करके जरा आने को बोलो, नहीं अम्मा ये बंद है नहीं गिरा बोले, तो हमने ऑडियंस से मदद किया तो ऑडियंस से भाग के आके वो बच्चे को उसमें से ना निकाल के देखे, गेट्स पूरे लॉक थे, ठीक है जब हमारा गेट्स खोलने के वास्ते करे नहीं खोले तो बाकी के ऑडियंस मैसेज लेके आए बच्चे को यहाँ पे स्कूल पे, और वो स्कूल वाले हमको इन्फॉर्म करे कि नहीं बच्चा अच्छा है स्टेबल है बोल के, बोला आधे रास्ते से मेरे को ले लेके आए, मैं उनके फाला मैं थी एचएम उतर गए उनके कार में से, बच्चा स्टेबल है आप जाइए, हम लोग पीछे गाड़ी में आ रहे बोल के, जैसा हम लोग को मालूम हो गया भाग्य लोग हॉस्पिटल से हम लोग को छोड़ के, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया स्कूल वाले, आप लोग आप प्लीज सक्सेस हाई स्कूल है टोली चौकी ब्रांच का है, बच्चे का नाम आहिल है, मोहम्मद आहिल, आपकी बहन का नाम शाफिया सुल्ताना, आप थे यहाँ पर सामयिक मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं इंग्लिश स्टेडियम में कार्यशील टेक्नीशियन हूँ, कार्यशील का टेक्नीशियन हूँ, तो बैंकों में क्या करा था बिल्डिंग ने क्या करा अंदर बोल के ऊपर चढ़ के देखा तो समय से बच्चे को बाहर निकालने के दबा रहे थे भाई में चक्कर में, तो कोई भी नहीं वहाँ जो भी जमीदार साथी आए कोई भी ऐसे करे मैं क्या करूँ कि बच्चे को ले लेके चलेगा, तो गेट को जब लॉक लॉक था लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं थे वहाँ के सुमेरा खुला लॉक तोड़ने नहीं किया, दरवाजे को ढकला उसके बाद समझ नहीं आते, ले लेके सीधा ऑटो में आ गया, ऑटो में आके सीधा इधर ले लेके आते जब भी लोग क्लियर ले लिए तो उन्होंने बोल दिया हम लोग सबको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुदस्सिर अहमद, मैं जो है उसके बाद ये बात ही मैं मेरी गाड़ी पे जा रहा हूँ वहाँ से जो रस्ते पे, हालांकि मैं वो एलवी स्टेडियम में जो है तकरीबन 8 साल से मैं वहाँ पे हूँ, मैं एलवी स्टेडियम में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं नेशनल बॉक्सर हूँ तकरीबन मैं 17-18 मैं वहाँ जा रहा था एलबी स्टेडियम के सर से मिलने हमारे रिसेंटली ये वहाँ पे बाजी मिले मेरे को क्या हुआ वो तो एक हाथ में बच्चा है एक हाथ में बैग है ढूंढ रहे हैं, तो कोई इनको जो है पूरे इवेंट में मसरूफ है वहाँ पे, मैं लेके गया अंदर कि और एक बच्चा इनका मिस हो गया, वहाँ पे गया तो वहाँ वही लोग बोल रहे हैं कि आंटी बाजी जो है नाली में गिरा हो, नाली 1.5 फीट की नाली में गिरा ही नहीं बच्चा हो, वो जो गिरा सो बच्चा है वो जो बच्चा है ग्राउंड में एक जो है मैं पूरी जगह से मखफियत हूँ हर एक चीज की, वहाँ गिरा सो बच्चा है, सब में गिरा सो बच्चा है, वहाँ का मैनेजमेंट इतना बेवकूफ मैनेजमेंट है कि बच्चा गिर गया ये औरत बोल रही है उसमें बच्चा है निकालो बोल के, उन्होंने उसके ऊपर ढक्कन डाल दिया नहीं है बोल के, फिर अंदर से आवाज आए तो देखे तो स्कूल मैनेजमेंट खराब है, ये देखो सर ये तो फर्स्ट जो है नहीं फतेह मैदान की तो एक जमाने से लोग की गलती है, दूसरा जो कोई चीज अपन किसी से ले रही कोई चीज अपन किराए पे भी ले रहे हैं तो हर चीज चेक करके लेते, ये स्कूल वाले जो इवेंट जो स्टेडियम में लिए इनका काम था किराए पे ले रहे हैं जो भी एक दिन के लिए, तो ये स्टेडियम को इन्होंने चेक करना क्योंकि बोलते जब बच्चे जो है पेरेंट्स जो है स्कूल वालों के हैंडओवर करते तो टीचर्स की जिम्मेदारी रहती, मैं उनके प्रिंसिपल से बात करा तो उनका प्रिंसिपल मेरे को बोल रहा कि जो है मेरे को 3 बजे पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिए जबकि 9 o'clock तक वो जो है इवेंट चलते रहा, अब मैं वहाँ पे गया तो 7 बजे डेथ होने के बाद में भी इवेंट चलते 7 बजे डेथ होने के बाद भी 9:40 तक इवेंट चला, मैं जब स्टेज पे चढ़ा तो एक नेता आए थे वहाँ पे जो है स्कूल के प्रिंसिपल है बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ भी गोल्ड गोल्ड पहन लेके वो बोल रहे हैं कि दिलासा दे रहे हैं नहीं बच्चा अच्छा है आप लोग कहाँ बैठो आप कौन होते बोलने वाले, बोले तो मैं तो रस्ते में जाने वाला हूँ, तो नहीं आप चले जाओ अच्छे बोल के आपको बिठा रहे थे वहाँ पे आप मत जाओ पुलिस कंप्लेंट करने बैठ जाओ बच्चा अच्छा है बोल के बिठा रहे, हालांकि मेरे को फोन आ गया था यहाँ से कि जो है बच्चे की डेथ हो गई, मैं नैमोला आया हूँ और उन्होंने बोल रहे हैं कि जो है तुम कौन होते हैं मैनेजमेंट करने वाले ऐसा सब चीजें बात करें, फिर सरासर ये स्कूल की गलती है जब वालदा वालिद जो है स्कूल में देते तो उनकी जिम्मेदारी रहती है सब चीज संभालने की,
और दूसरा जो है एलबी स्टेडियम का मैनेजमेंट की गलती है, एक नहीं दो बच्चे मिस हो गए वहाँ पे, उसके बाद भी पानी में जाके ढूंढे करे और उनकी वाइफ यहाँ पे आए, यहाँ से आके फिर भाग गए। मैं अमजदुल्ला खान स्पोर्ट्स में निभी थी, अभी मुझे इतना मिली तो मैं होप हॉस्पिटल पर आया अपने नंबर मंजूरबा। एक्चुअली वाक्य ये है कि मोहम्मद आहिम 5 साल सनाफ अब्दुल हाजी अली, ये जो है कि सऊदी में काम करते, उनकी मदर का नाम है शाफिया सुल्तान। एक्चुअली इनको 3 लड़के हैं और आज जो है इनका लड़का जो द सक्सेस स्कूल डोली चौकी ब्रांच में पढ़ता है, तो आज ये कुछ स्पोर्ट्स डे एनुअल डे था वहाँ पर, ये अपने 3 बच्चों को लेकर गए थे। ये जो बच्चा फाइव ईयर्स का बच्चा है, ये बच्चा UKG क्लास में था, ये पार्टिसिपेंट था और बाबा सर्टिफिकेट भी ले लिया था। लेने के बाद में जब बच्चा आया माता ने, तो और एक दूसरा बच्चा आने के लिए रुके हुए थे, तो मीनवाइल वहाँ पर जो है बड़ा समय तकरीबन 4-5 फीट डीप समय, वहाँ पर 12 फीट समय उसका जो ढक्कन है वो बहुत वीक ढक्कन था, चाहे वो लोहे का ढक्कन है नहीं मालूम सीमेंट का, उसके ऊपर एक पत्ता रखा हुआ था, ये बच्चा उसके ऊपर पैर रखा रखते अंदर गिर गया। तो जब बच्चा मिसिंग हुआ तो माँ चीखा मारी कि बच्चा कहाँ है, कोई लोग बोल रहे कि बच्चा अंदर गिरा बोल रहे। लेकिन वहाँ का जो मैनेजमेंट था फतेह मैदान क्लब का बोलिए या कोई वहाँ पर, ये लोग क्या किए ढक्कन डाल के बंडा रख दिए कि बच्चा नहीं है अंदर, बोले बहस करे। फिर बाद में कैसा है कि अंदर से बच्चे को निकाल के बाहर रखे मेरे यहाँ होप हॉस्पिटल को लाए, तो ये दो लोग उसके चश्मदीद गवाह हैं, यहाँ पर ब्रॉड डेड हुआ। तो हालांकि वहाँ पर 40 बाउंसर थे और ना जाने कौन कौन सी थे वहाँ पर, तो अब यहाँ पर जो है सैफाबाद पुलिस भी आई है, इसकी तहकीकात कर रही है और इस लापरवाही के खिलाफ में द सक्सेस द स्कूल की मैनेजमेंट के खिलाफ में, और आपके ये जो एलबी स्टेडियम का मैनेजमेंट है उसके खिलाफ में भी एक्शन लेना चाहिए।